आज नवरात्रि के इस त्यौहार को शुरू हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं और इसके बाद कल यानी बृहस्पतिवार को माता के चौथे रूप की पूजा की जानी है। तो क्या आपने भी माता के चौथे दिन की पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं? क्या आपको पता है कि इस दिन माता के कौन से रूप की पूजा की जाएगी? तो चलिए एक बार पहले जान लें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ के किस रूप की पूजा होनी है और इसकी विशेषता और कथा क्या है। लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आप नवरात्रि से जुड़ी कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट को जरूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और कल के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा के सच्चे मन से पूजा करने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं और ये नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। बता दें कि माता के इस रूप की 8 भुजाएं हैं और इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा होता है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियाँ और निधियों को देने वाली माला होती है। इसके अलावा माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो कि धर्म का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेर कर सृष्टि की रचना की थी। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का भी निर्माण किया। इसलिए कुष्मांडा माता को पृथ्वी की जननी भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि सूर्य मंडल के पास के एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। बता दें कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्भड़े होता है और माँ को बलियों में कुम्भड़े यानी कद्दू या सीताफल की बलि सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए भी माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। जो भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है उसे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।